सशिकल दोस्तों मैं सुपिकर एक बार फिर तो स्वागत कर दिया तो अपने प्रोग्राम मेल मिलाप अज असी पहुंचे हैं जिला मुक्तसर के शहर मलोट विच आओ तुम मिलवाने हैं इतों के वार्ड नंबर 4 के लाली जैन जी के नाम से जान दिया उन्होंने कहानी उन्होंने जबानी सशिकल सर सर स्वागत है थोड़ा सा चैनल से सब तो पहला तो मैडम कमरा जी थोड़े मीडिया का मैं इतने पहुंचे तो स्वागत करता हाँ धन्यवाद सर प्रधान सन स्वर्गवासी मलोट 83 मैं प्रेमी मेंबर कांग्रेस पार्टी का बनिया उन्होंने मेनु बनाया उदो बाद जिहड़ा है कि मेरा वास्ता मैं अपने समय 15 साल कांग्रेस पार्टी का मलोट तो प्रेजिडेंट रहे हैं जी और इन्हें दरबार के जेलां भी कटिया और कांग्रेस दलिया भी झड़िया जी और कांग्रेस की सेवा रज के की है जी और उन्हें टाइम के मैं इलैक्शन लड़िया कांग्रेस पार्टी लगातार मैं माड़ा चंगा समा देखिया बहुत इन्होंने समय के जिमें कि तुहानू पता ही अजक पुराने टाइम के वार्डां दे विच धक्के भी होंदे कब्जे भी होंदे उन्होंने बावजूद भी मैं आपकी पार्टी का झंडा बुलंद रखा और हमेशा ही मेरे झंडा बुलंद रहा दुकान से और मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ा रहा और मैं 40 साल कांग्रेस की सेवा करदे नूं मैनूं हो गया अज मैं 5वीं बारी जिहड़ा है कि मैं MC बने नगर पालिका का और मैं अपने जो भी मेरे मन के विच है मैं अपने वालों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं और साढ़े पंजाब के प्रधान सुनील कुमार जाखड़ जी को साढ़े जेडे हल्के MLA साहब जय सिंह भट्टी डिप्टी स्पीकर पंजाब सरकार उन्होंने मैं अपना पक्ष रख के आया भी जे अगर मलोर की मिशन कमेटी जनरल के आती है तो मैं सब तो सीनियर आदमी हाँ मेरा हक बनता है और मेरा हक देना चाहिए कि मैं बहुत समा 40 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा की है मैनू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और मेरे साढ़े पंजाब के प्रणाल सुनील कुमार जाखड़ जी ने विश्वास दवाया भी लाली जी तुसी बहुत सेवा की कांग्रेस की मैं एक पॉइंट होर भी रखे जे अगर मेरे नाल कोई सीनियर बंदा हैगा तो मैनू कोई इतराज नहीं होगा बेशक उन्हें बनाया जाए जे अगर इन्हों जो सीनियर मैं ही सीनियर है मेरे मुताबिक तो मैं ही सीनियर है तो फिर राइट मेरा बनता भी नगर पालिका जी जे अगर जनरल अपनी कमेटी बनती है लाली गगनेजर हुई प्रधान बनाया जाए यह बेनती मैं अपना पक्ष रख के आया बाकी जो पार्टी प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सुनील कुमार जाखड़ जी या मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह या साडे डिप्टी स्पीकर साहब अजय सिंह भट्टी जो भी हाईकमांड फैसला होगा मेरे सिर मथे होगा मैं अपनी झोली च पाऊंगा बदौलत ही मैं इथे पहुंचा हां उन्होंने ही मैनू लगन ला के कांग्रेस पार्टी नाल जोड़िया फिर भी कोई 50-100 जी कई बार वोट पोल नहीं होंगी कोई अंदर बार कोई जरूरी काम अगले पै जाता है फिर भी उसके बाद भी 1700 वोट जी है मेरे वार्ड च पोल हुई है जिंदे विच मैनू मतलब कि मैं अज मैं जुते है जी वो 893 वोटा नाल मैं जित हासिल की है वार्ड नंबर 4 चो और मैं 4 नंबर वार्डा इस चैनल राही मैं इन्हों का बहुत मनो धनो इन्हों का बहुत धन्यवाद करता है मेरे वार्ड 4 दे जिहड़ा मैं इलैक्शन लड़िया मेरे वार्ड 4 दे वासियां ने लड़िया ना कि मैं लड़िया मैं आपके वार्ड के लोगों का भैणा भरावां का मनो तनो धन्यवाद करता जदों जिथे भी इन्हें जोड़ होगी मैं सेवा च हाजिर होऊंगा यह मेरा जिहड़ा है सारे आपकी जिंदगी का है मेरा सर हुण तुसीं MC बन चुके हो मैं पहले आधार से
क्योंकि मैं इस एक इलाके चो पंजवीं बारी एम सी बनिया एक बहुत तगड़ी गल हुंदी है। नहीं तो बंदा एक बार इलेक्शन लड़ ले तो लोग दूजी बारी एंट्री हो जाते हैं। मेरे आए वाली लोगों ने मेरे नाल सहयोग दिता है। मैं वार्ड की कोई सड़क नहीं छड़नी, कोई गली नहीं छड़नी, कोई पर्सन रहने नहीं छड़नी, कोई राशन कार्ड नहीं छड़ना। जो भी विकास के काम है मैं मनो तनो अगला इलेक्शन तां लड़ूंगा, सारे विकास के काम मैं कंप्लीट करूंगा। ਲਾਲੀ ਜੈਨ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।